नमस्ते, आज हम जा रहे हैं फायर फाइटर्स म्यूजियम ऑफ डेनवर और हाँ। वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जा रहे हैं एक म्यूजियम विच इज डेनवर फायर फाइटर्स म्यूजियम और अब हम धीरे धीरे थोड़ा डेनवर एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ठंडा मौसम था, थोड़ा एडजस्टिंग में टाइम लगा, थोड़ा सा अनपैकिंग सेटलिंग डाउन में टाइम लगा, तो अब हम सोच रहे हैं कि ठीक है अभी सेटल हो गए तो धीरे धीरे करके यहाँ की सारी चीज़ें देखना शुरू करें। वो हमारे घर से है अराउंड 28 miles एंड डेनवर में ही है। स्पार्क अलाउड नहीं है इसलिए स्पार्क को खिला पिला कर घर पर सुला कर आए हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। आई थिंक 1-1.5 घंटे में वो पूरा म्यूजियम कवर हो जाएगा। वहाँ पर कुछ एंटीक चीज़ें हैं जैसा पिक्चर्स से हमने देखा है गूगल पे, सो लेट्स सी कैसा होगा। बच्चों के लिए स्पेशली आई थिंक रिव्यूज़ मैंने देखे थे, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। आई होप आने को मज़ा आए। और यस, दे से देयर आर लॉट ऑफ राइड्स एंड पापा एंड दादी ने मैचिंग पहन लिया बाई चांस और अने एंड माँ ने मैचिंग पहन लिया। वाह, वेरी नाइस, ये बाई चांस कॉम्बिनेशन हो गया। मैंने अभी देखा, ध्यान दिया। झूठ है। झूठ क्यों है? क्यों अभी अभी ध्यान दिया? हाँ मैं तो अभी ध्यान दिया सच्ची। कैमरे का बोल दिया जी नहीं, मैं तो अभी सच में ध्यान दिया, बाई चांस पहन लिया हमने। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा म्यूजियम, पिक्चर्स में तो अच्छा लग रहा है। एक टैम्पा में ग्लेशियर म्यूजियम था, वो बहुत ही अच्छा था, तो अगर आप लोग टैम्पा में है ना तो ग्लेशियर म्यूजियम मिस मत करिए। अनय ने वहाँ बहुत इंजॉय किया और वहाँ पर फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ एवरी मंथ फ्री होता है, सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट और आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं। तो वेकेशन चल रही है तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, टाइकोंडो हर जगह बाहर निकल आता है। आ गए हम म्यूजियम, बोल रहा पीछे म्यूजियम, अरे पहले ही बोल रहा है दिस इज सो स्मॉल, एक्चुअली देखने में तो छोटा सा ही लग रहा है। और ये है डाउनटाउन में, तो यहाँ पार्किंग मिलनी थोड़ी सी मुश्किल होती है स्पेशली ऑन वीकेंड्स, फिर भी हमें मिल गई है पार्किंग। और यहाँ पर जो रोड साइड पार्किंग होती है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली पब्लिक पार्किंग से कम प्राइस में रहती है, तो अगर आपको रोड साइड पार्किंग मिले तो वहीं पार्क करिए। एंड इट इज़ वेरी क्लोज ऑल्सो टू द प्लेस जहाँ हम आए हैं। पब्लिक पार्किंग थोड़ा पीछे साइड में थी तो वहाँ से वॉक करके आना पड़ता है, धूप बहुत तेज़ है, तो इससे अच्छा पास में पार्किंग मिल गई वो बहुत अच्छा है। अने पहले ही थोड़ा सा कम एक्साइटेड लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा, लेट्स सी। हम सब चौंक गए एक्चुअली देख के, ये है छोटू सा म्यूजियम, बट ठीक है।
सारे बहुत ही ओल्ड फायर इंजन्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द ईयर 1890 से लेकर 1912 तक 27 स्टीम फायर इंजन्स खरीदे गए थे, उनमें से ये एक है, दिस इज़ वन ऑफ देम। और वो एक दूसरा है, तो एक्चुअली एंटीक टाइप की फायर इंजन्स हैं, बहुत ही डिफरेंट। और अने को अच्छा लग रहा है, अब हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। वो एक दूसरा फायर इंजन है जो बाद में आया था, क्योंकि वो ऑन व्हील्स है। ये सारे घोड़ों वाले हैं, ये सारे हॉर्स कार टाइप के हैं, घोड़ों से चलते थे। वो बाद का है, आई विल जस्ट सी कौन से टाइम कौन से ईयर का है, पर वो व्हील्स पे है तो वो बहुत बाद में आया होगा। वैसे ये छोटा सा म्यूज़ियम है, एक फ्लोर नीचे है, एक फ्लोर ऊपर है। नीचे वाले फ्लोर पर जो फायर इंजन है वहाँ, उसमें बच्चे बैठकर फ़ोटो निकलवा सकते हैं, बड़े भी बैठकर फ़ोटो निकलवा सकते हैं। हमने तो निकलवाई है, स्पेशली फॉर किड्स इट इज़ देयर। अभी हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे ऊपर क्या है। सब मिलाकर एक घंटे में घूम सकते हैं, इतना छोटा सा म्यूज़ियम है। ये सब ड्रेसेस हैं, ये उस जमाने के एक्चुअल कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं इसलिए एकदम ऐसे डार्क कलर के गंदे से दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली उस टाइम की ड्रेस है। सो दीज आर ऑल एंटीक थिंग्स। कि फ्लोर पे चलने में ना चर चर आवाज़ आ रही है। वॉट सो ये सारे फायर फाइटर्स की लिस्ट है, जो जिस जिस ईयर में उन्होंने फायर फाइटिंग में अपनी लाइफ गवा दी। ये सारी लिस्ट, या वाइल सेविंग पीपल, या या आई नो, यस। सो इट्स स्टिल 2015 तक अपडेटेड है ये। एंड दीज आर ऑल द शील्ड्स जो फायर फाइटर्स की थी, जो उनके ड्रेस पे को एक फायर फाइटर का कॉइन चाहिए, उसके लिए 51 सेंट्स चाहिए थे। हमने कैसे भी करके कार में ढूंढ लिया क्योंकि चेंज नहीं था। गो, सो मेक श्योर यू रीड द डायरेक्शंस। या ओके, सो फर्स्ट टर्न द हैंडल टू व्हिच वन यू वांट। ओके, दिस वन। ओके, यू वांट दैट वन। ओके, सो देन इंसर्ट द पेनी। कैन यू रीच हियर? गिव इट एन एंड गिव इट। या शी लेट नॉट टॉल एनफ। आई नो। ओके, सो लेट्स पुट द पेनी, I think, in the corner. Okay, wait. Okay, now turn the handle until it comes out. The other way. Other way. It's going. Keep going. Yes. Keep going. Go. Keep going. Keep going quick. Keep going. Gotta keep going. Here, let me see it. You gotta keep going. Until it. Whoa, you got it. Show me. Let's see. It's nice. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Come, let's go. Happy? Museum for you. It was good? Yes? आने को मज़ा आ गया, हमें भी अच्छा लगा देखकर।
और दो ही फ्लोर्स हैं, छोटा सा म्यूजियम है तो एक घंटे की पार्किंग में भी हो जाता, पर हमारे पास अभी पार्किंग का टाइम है तो वी आर गोइंग टू अ पार्क यहाँ पे पास में ही है जस्ट 0.2 माइल पे, तो हमने कार वहीं छोड़ दी है क्योंकि पार्किंग वापस से मिलना थोड़ा मुश्किल है। और अब हम जा रहे हैं पार्क क्योंकि हम घर से जो चटर पटर बना के लेके आए वो आराम से खा सकते हैं, हमें पता नहीं रहता छोटा सा म्यूजियम, बट लेट्स गो। और इसका जो टिकट है दैट्स फॉर एडल्ट्स, इट इज़ $9 और शायद बच्चों के लिए $7 या $5 कुछ तो था, मुझे याद नहीं है। पर हमें यहाँ का जो पासिस मिले थे, जो पासिस थे वो मुझे मिले थे लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी की वेबसाइट पे आप भी चेक कर सकते हैं, आपकी कोई भी लाइब्रेरी होती है तो वो ये सारे जो भी छोटे छोटे या देखने लायक जो प्लेसेस होते हैं ना उनके पासिस देते हैं, तो आप भी अपने लाइब्रेरी में वेबसाइट पर चेक करिए, देयर इज़ ऑलवेज अ सेक्शन जहाँ पे आपको पासिस मिलेंगे। तो मैंने भी लाइब्रेरी में ही साइनअप किया था और वहाँ से हमें यहाँ के पासिस मिले थे, सो हमने टिकट नहीं ख़रीदा। ऐसे ही दो तीन जगह और का भी मैंने बुकिंग की है नेक्स्ट वीकेंड और उसके बाद में भी, तो देखते हैं वो जगह कैसी रहेगी। हम फोटोज़ देख कर हमें अच्छा लग रहा था, इनफैक्ट देखने में भी अच्छा लगा। वो जो बिल्डिंग पीछे दिख रही है वहाँ पर डॉलर्स छपते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स मिंट। अब हम जा रहे हैं पार्क, बहुत तेज़ धूप है, पता नहीं था डेनवर में इतनी धूप पड़ती है। And this building is City and County of Denver Government. तो ये दोनों government buildings ही हैं, इतनी बड़ी बड़ी। और यहाँ पर हर 15 मिनट में ऊपर जो क्लॉक है वो हर 15 मिनट में एक घंटा बजाती है। Guys, you're just about to be amazed from where we came. अब घुमक कर लोग एक दूसरी जगह आ गए हैं, पैको पार्क। वीकेंड का पूरा मजा लेंगे, घर नहीं जाएंगे। तो यहीं रास्ते में एक पार्क पड़ गया जहाँ अने ऑलरेडी पहले आया, अने एंड पापा, तो वहाँ आ गए हम। भाई घर से निकले हैं तो सब कवर करके जाएंगे यार, हाँ ने यू वेयर योर शूज़ प्रॉपरली फर्स्ट, दिस इज़ नॉट द वे अने यूल फॉल। इतनी सड़ी धूप में अने हम लोग को एक दूसरे पार्क ले आया, एक जगह से मन नहीं भरा उसका। ओह बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये तो शायद स्लाइड्स भी सारी गर्म ही होगी, पता नहीं कैसे जाएगा। दिस इज़ अ नाइस प्लेस, अगर शाम को आया जाए या किसी ऐसे दिन आया जाए जब ठंडक हो। जैसे दो तीन हफ्ते पहले अने एंड पापा दोनों आए थे और भी सारे फ्रेंड्स के साथ में, तो उस दिन बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा मौसम था, तो इन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। आज बहुत गर्मी है, अरे यार ये पत्ती चोर। हम एक कैनवस पे, ब्लैक कलर के कैनवस पे डिजाइन बना रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी चीज। आज हमने बहुत फन कर लिया, तो बहुत धूप है तो फिर हम घर जाएंगे, और कल भी लाइन इज लर्निंग हिंदी, आजकल प्रैक्टिस कर रहा है थोड़ी बहुत और अच्छी हिंदी बोल रहा है, तो जहाँ पे भी अटक जाता है वहाँ उसे हेल्प कर देते हैं। वैसे अच्छे नए नए वर्ड्स सीख रहा है
और दादी से कोशिश करता है हिंदी में बात करने की, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी अने की लर्निंग हिंदी लर्निंग क्लासेस और लगानी है। मैंने जब छोटा था अने तब पूरा अ से लेकर ऑलमोस्ट शायद ड तक सिखा दिया था, बोलना लिखना पढ़ना, बट वो सब भूल गया अने क्योंकि अने ने कंटिन्यू नहीं किया। और अभी इतना छोटा तो है नहीं कि बिठा दो और पढ़ाई शुरू करा दो, अब नहीं सुनता है ना हिंदी के बारे में, पूरा दिन बस बुक्स या फिर सॉन्ग्स गूगल पे, है ना ने? इट्स वेरी हॉट टुडे। अब हम बस घर जा रहे हैं, कॉस्को जाएंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ काम है और उसके बाद भी सीधा घर। कल हमें फिर से जाना है दूसरी जगह, वहाँ हम लास्ट टाइम जब डेनवर आए थे तब हम गए थे, आप लोगों के साथ में वो व्लॉग भी शेयर किया था, बट कल हम एक और दूसरी फैमिली के साथ जाने वाले हैं, वो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके भी पेरेंट्स आए हैं, तो कल भी मज़े आने वाले हैं। कल भगवान ऐसा इतना गर्मी वाला मौसम नहीं रहा, मौसम ऐसे ही है लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वो थोड़ा ऊपर को है तो वहाँ शायद थोड़ी ठंडक होगी, पॉसिबली। यस, बिकॉज जितना ऊँचा मतलब ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा मौसम, तो लेट्स सी कैसा रहेगा। फिलहाल जाएंगे कॉस्को और फिर जाएंगे घर। स्पार्क वेट कर रहा होगा, स्पार्क को ऑलरेडी खिला पिला के आए थे लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 घंटे हो गए। We just left